वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में। आप लोगों को पता है कि पिछले हफ्ते हमने एक विशेष पहल शुरू किया था। वो विशेष पहल ये था कि छत्तीसगढ़ के समसामयिक मुद्दों पर आधारित हम CGPSC मेंस के पेपर की तैयारी करें। इसके लिए डिस्कशन कम्युनिटी यानी कि हमारी वेबसाइट कॉम्पिटिशन कम्युनिटी पर एक विशेष पहल शुरू किया गया था। और उस विशेष पहल की अगर मैं थोड़ी सी बात आप लोगों के सामने कर लूं, तो वो विशेष पहल ये था कि अगर आप CGPSC 2020 के टारगेट को लो तो यहां से आपके पास में 33 हफ्ते का समय है। और 33 हफ्ते में अगर हर हफ्ते एक टॉपिक भी डिस्कस किया जाए तो आपके पास में टोटल 33 टॉपिक हो जाते हैं। तो 33 टॉपिक पर हम यहाँ समसामयिक मुद्दों पर अगर डिस्कस करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके एसी का प्रिपरेशन बहुत सही तरीके से हो सकता है, या फिर CGPSC के मेंस में जहाँ भी आप समसामयिक मुद्दों को डिस्कस करना चाहें वहाँ बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जो हमने पहले सप्ताह का विषय रखा था वो था छत्तीसगढ़ की नई आरक्षण व्यवस्था और रोजगार विहीन जनता, यानी कि न्यू रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़ एंड जॉबलेस पीपल। इस टॉपिक पर बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी, बहुत सारे लोगों ने अच्छा लेखन किया। डिस्कशन कम्युनिटी पर जाके आप इन सबके जितने लोगों ने भी वहाँ पर अपने अपने कंटेंट दिए हैं, या जिन जिन लोगों ने भी अपनी राय रखी है, जिन जिन लोगों ने भी आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास किया है, उनकी राय को आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, जो भी टॉपिक क्रिएट किया जा रहा है वहाँ और जो भी आपके द्वारा व्यूज़ रखे जा रहे हैं या फिर जो भी आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उन सबको मिलाकर हम एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि अगर आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, या आप मानकर चलो कि आपके एसे के पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको डील कैसे करोगे। तो आज का हमारा ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित होगा कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड यानी फिर इस टॉपिक के आसपास अगर इसी पर आधारित इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हम इस टॉपिक को कैसे डील करेंगे। इसके अलावा एक बात और सुन लीजिएगा, जैसे छत्तीसगढ़ के समसामयिक मुद्दों पर तो हमने निबंध की तैयारी या फिर मेंस की तैयारी तो शुरू कर दी है। इसके बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि छत्तीसगढ़ का तो शुरू हो गया, इसके अलावा हम नेशनल और इंटरनेशनल का क्या करें। तो जैसे छत्तीसगढ़ के इश्यूज पर जो डिस्कशन कम्युनिटी में टॉपिक क्रिएट किया गया था पिछले हफ्ते पर, जिस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास भी किया, तो अब यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे पर भी सेम वहाँ पर टॉपिक क्रिएट होगा। जैसे छत्तीसगढ़ इश्यूज पर ये टॉपिक क्रिएट हुआ, तो नेशनल समसामयिक जो अभी वर्तमान समय में सबसे बड़े मुद्दे चल रहे हैं वहाँ पर वो टॉपिक क्रिएट किया जाएगा और उस टॉपिक को डील करेंगे हमारे यहाँ आकाश सर। तो आप लोग इसी सोमवार से नेशनल इश्यूज पर भी जो भी टॉपिक क्रिएट किया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा, वहाँ भी उसे भी आप लोग वहाँ पर डील कर सकते हो। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक का हेडिंग आप लोगों ने पढ़ लिया, छत्तीसगढ़ की नई आरक्षण व्यवस्था और रोजगार विहीन जनता। तो जो डिस्कशन कम्युनिटी पर जिन लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था और जिन लोगों ने भी अपना वहाँ पर विचार रखा या फिर जिन लोगों ने भी वहाँ पर कोशिश किया एक अच्छा उत्तर लिखने का, सबके आंसर राइटिंग में वहाँ पर एक कमियाँ देखी गई। कमियाँ सबसे बहुत कॉमन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि इस प्रश्न की यानी कि इस टॉपिक का डिमांड क्या है। यानी कि सबसे पहले मन में आप लोग ध्यान ये रखिएगा कि जो भी निबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर जो भी आपके मेंस के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न हमसे पूछना क्या चाहता है। एक मिनट दो मिनट का समय पर्याप्त होता है। सबसे पहले आप एक से दो मिनट आप वहाँ पर अपने दिमाग पर जोर लगाएं और प्रश्न को या फिर टॉपिक को समझने की कोशिश करें कि ये हमसे पूछना क्या चाहता है। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कि आप कैसे समझें कि ये हमसे पूछना क्या चाहता है। तो आपको करना यहाँ पर ये है कि जो भी टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को आप तोड़ दें। कैसे तोड़ोगे? जैसे इस टॉपिक को देखो, आप इस टॉपिक को कैसे तोड़ोगे? छत्तीसगढ़ की नई आरक्षण व्यवस्था, यहाँ तक आपको इसको तोड़कर एक पार्ट बना लो, ठीक है। और दूसरा कैसे तोड़ोगे? दूसरा पार्ट इसका ये तोड़ लो, रोजगार विहीन जनता, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने का या फिर क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है उसको सबसे अच्छा जानने का तरीका ये होता है कि आप उसको तोड़ दो। दो पार्ट में तोड़ दिए। अब दो पार्ट में तोड़ने के बाद यहाँ पर आपको ये समझने में बहुत आसानी होगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है। अब यहाँ पर ये चीज़ें जैसे ही क्लियर हो गई तो आप सबसे पहले इस टॉपिक की फ्रेमिंग करोगे। आपके पास अगर मान लो कि इस टॉपिक पर एसे लिख रहे हो तो आपके पास में वर्ड लिमिट कितना होगा? 750 शब्द का होगा। तो वर्ड लिमिट पर तो ध्यान रखना ही है, और वर्ड लिमिट को ही ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आप इस टॉपिक की फ्रेमिंग कर लीजिए। तो यहां पर आपको यह पता चल जाएगा कि मुझे कितने वर्ड में आंसर राइटिंग करना है।
अब इस टॉपिक को फ्रेमिंग करने का एक सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इसको फ्रेमिंग कर सकते हो। सबसे पहले एक बेहतर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। अभी यहां पर फ्रेमिंग के जितने पॉइंट्स हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे फ्रेम करने के लिए आप एक पार्ट बनाइए इंट्रोडक्शन का। उसके बाद इस दूसरे पार्ट में होना चाहिए, इस फ्रेमिंग में ऐसा क्यों किया गया, मतलब कि छत्तीसगढ़ की नई आरक्षण व्यवस्था और रोजगार विहीन जनता यानी कि नई रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस की गई है तो ऐसा क्यों किया गया। कहने का मतलब है कि इसमें गवर्नमेंट का व्यू क्या है कि इस तरह से नई रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर आया गया है। तो मेन इसमें जो है वो गवर्नमेंट का व्यू होगा, इसे भी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं। इसके बाद आप आ जाओ थर्ड पॉइंट। जैसे सेकंड पॉइंट खत्म होता है, थर्ड पॉइंट पे हम लोग क्या रखने वाले हैं इस बात को समझिएगा। थर्ड पॉइंट में हमें यहां पर क्या करना है, विपक्ष का नजरिया देखना है। अब यहाँ पर विपक्ष का नजरिया का ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि किसी विपक्षी पार्टी यानी कि जो छत्तीसगढ़ में विपक्षी पार्टी है उसका नजरिया क्या है, ये बिल्कुल नहीं हुआ। इस टॉपिक का क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों की ओपिनियन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो विपक्ष का नजरिया यानी कि अगर छत्तीसगढ़ में नई आरक्षण व्यवस्था लाया गया है तो उसे क्रिटिसाइज किस तरह से किया गया है, इसमें आप केस स्टडी दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर कैसे केस स्टडी दे सकते हो कि छत्तीसगढ़ में जो भी ये सिस्टम लागू किया गया है और इस सिस्टम को किस तरह से क्रिटिसाइज करने के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन डाला गया, या फिर अगर किसी और का वहां पर ओपिनियन हो जो इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप यहां पर बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहां पर विपक्ष का नजरिया का ये मतलब मत समझना कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में है उसके नजरिए की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जिन लोगों ने भी इसे क्रिटिसाइज किया या फिर हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं या फिर जिन लोगों ने भी हाईकोर्ट में पिटीशन डाला है उस आधार की हम बात कर रहे हैं, ठीक। अब यहां पर इसके चौथे पार्ट में आएगा आपकी राय यानी कि ओन ओपिनियन। अब देखिए ओन ओपिनियन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप अपने गुस्से को यहां पर पूरी तरह से उतार दो, या फिर ओन ओपिनियन में ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करो, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर सिस्टम आती है या अगर कोई भी पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उस पॉलिसी के सिर्फ सकारात्मक पक्ष होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसके नकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं। तो इसके बाद ओन ओपिनियन में आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले आप फ्रेमिंग जो है चार पांच पॉइंट पर समझ लीजिए। उसके बाद पांचवें नंबर पर आप फ्रेमिंग करेंगे कंक्लूजन का यानी कि निष्कर्ष का। निष्कर्ष भी कैसे होना चाहिए आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपका इस टॉपिक का जो फ्रेमिंग होना चाहिए इस पांच आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद ऐसा क्यों किया गया, ठीक है, यानी कि इस टॉपिक पर इस जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो इस टॉपिक पर ऐसा होना चाहिए कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद इसे इस टॉपिक को क्रिटिसाइज कीजिए यानी कि विपक्ष का नजरिया क्या है, उसके बाद आपकी राय क्या है, और उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। तो अब यहां हम ये देखेंगे कि इसको हमने जो पांच तरीके से फ्रेम किया है अब इसके अंदर जो फ्रेमिंग है वो किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमको क्या लिखना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने जो प्रयास किया था यानी कि जितने भी डिस्कशन कम्युनिटी पर लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था तो उसमें जो इंट्रोडक्शन था वो आरक्षण व्यवस्था को जो है भारत में किस तरह से आरक्षण व्यवस्था लाई गई, 1950 में क्या हुआ, कौन कौन से संविधान में प्रावधान रखे गए, तो इस आधार पर लोगों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है छत्तीसगढ़ की नई आरक्षण व्यवस्था और रोजगार विहीन जनता, तो आपको तो इससे बाहर जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जितना पूछा गया है इंट्रोडक्शन उसी आधार पर होना चाहिए। इसकी फ्रेमिंग आप तीन तरीके से कर सकते हो, अपने इंट्रोडक्शन की फ्रेमिंग आप तीन तरीके से कर सकते हो इस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला क्या हो सकता है, सबसे पहले तो आप यहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी को लिखिए यानी कि आरक्षण व्यवस्था को। इस आरक्षण व्यवस्था में आप लोग क्या क्या लिखेंगे, इस रिजर्वेशन पॉलिसी में आप लोग लिखेंगे ओबीसी को 14 से बढ़ाकर कितना किया गया, इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद एससी में कितना किया गया, इसके बाद जिस तरह से चेंजेस हुई है उसके बारे में लिखेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितने परसेंट की सुविधा की गई है, और इन सबको मिलाने के बाद, और पहले से आपको तो पता है एसटी का 32% चल रहा है,
तो इन सबको मिलाने के बाद छत्तीसगढ़ की रिजर्वेशन व्यवस्था ये हो गई है। इस सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की नई आरक्षण व्यवस्था थी, तो इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले इस रिजर्वेशन पॉलिसी यानी कि आरक्षण व्यवस्था के बारे में ही लिखेंगे और कौन कौन सी चेंजेस की गई है सबसे पहले आप उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इंट्रोडक्शन में दूसरा फैक्ट आपको क्या यहां पर इंट्रोड्यूस करना है, अब इस इंट्रोडक्शन में आप दूसरा फैक्ट क्या यूज करेंगे, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना में आप क्या लिखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक संरचना किस प्रकार से है, किस प्रकार से है मतलब छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से है, ओबीसी एससी और फिर एसटी को मिलाकर इस तरह से। तो आप यहां पर देखेंगे एससी तो छत्तीसगढ़ में इसकी जनसंख्या 12.8% के आसपास है यानी कि आप इसे 13% लगभग लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहां पर एसटी का पॉपुलेशन देखोगे छत्तीसगढ़ में तो ये आपको लगभग 30% या फिर आप इसे कह सकते हो 31% के आसपास में मिल जाएंगे। एग्जिट डाटा अगर आपको पता है तो एग्जिट लिखो, अगर 4-5 पॉइंट में है और एग्जिट नहीं पता है तो एक अंक बढ़ाकर लिख सकते हो। ठीक, इसके अलावा ओबीसी का डाटा जो है छत्तीसगढ़ में पर्याप्त नहीं है, कहीं आपको मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी का 45% पॉपुलेशन है तो कहीं आपको मिलेगा 50% है, कहीं मिलेगा 55% है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो ओबीसी का पॉपुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से अभी हमारे सामने नहीं है, तो आप यहाँ पर लगभग में कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी, लगभग 50% लिख लो या फिर 55% लिख लो। तो इस तरह से सोशल स्ट्रक्चर इसमें इंक्लूड होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन में, और रिजर्वेशन पॉलिसी में जिस तरह से चेंजेस की गई है ये दो चीज़ें ऐड होनी चाहिए। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम लोग तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं कि आपके इंट्रोडक्शन का तीसरा स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट में देखो रोजगार विहीन जनता की बात की गई है, तो आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डाल सकते हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एनएसएसओ का एक डाटा लीक हुआ था, उसके बाद एनएसएसओ की जो रिपोर्ट आई थी उस आधार पर छत्तीसगढ़ में जो टोटल अगर आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रेजेंट टाइम पर यानी कि 2017-18 पर आधारित 3.3% है। इसे भी आप तोड़ देना, छत्तीसगढ़ के अर्बन एरिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और रूरल एरिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, टोटल तो 3.3% है और अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो ये आपका 7.5% है और रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो 2.5% है। तो इस तरह से आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना वो तीन स्ट्रक्चर पे बेसिस होना चाहिए इस टॉपिक में। सबसे पहले तो आप रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन पॉलिसी को इंक्लूड करो कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं। दूसरा आप सोशल स्ट्रक्चर डालो कि सोशल स्ट्रक्चर में किस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन की स्थिति है, ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर रिजर्वेशन का सिस्टम क्यों लाया गया है। और दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर आप लोग सोशल स्ट्रक्चर को इंक्लूड करो, और तीसरे पॉइंट पर यहाँ पर आप लोग छत्तीसगढ़ में अगर रोजगार विहीन जनता की बात की गई तो छत्तीसगढ़ में इंप्लॉयमेंट रेट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस प्रकार से है उसे मेंशन करो। तो इस तरह से आपका ये हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो जैसे मैंने बोला ना कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे तो आप अपने आंसर राइटिंग से भटक जाओगे, उसके बाद आप कितना भी अच्छा लिख लो आप अच्छा एक स्कोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की फ्रेमिंग अच्छी तरीके से हो सकती है तभी जब आप क्वेश्चन को समझ जाओगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि छत्तीसगढ़ की नई आरक्षण व्यवस्था रोजगार विहीन जनता, तो आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए इसी टॉपिक पर होना चाहिए, यहीं पर होना चाहिए। और अगर यहाँ पर मान लो क्वेश्चन इस तरह से रहता कि आरक्षण व्यवस्था क्या है, क्या जातिगत आरक्षण व्यवस्था समाज में समानता लाने में सक्षम है, इस तरह से अगर क्वेश्चंस होते तो आप जितने भी रिजर्वेशन सिस्टम के बैकग्राउंड हैं, संविधान में किस तरह से है, कौन से आर्टिकल में इंक्लूड हुआ, ये सब सारी चीज़ों को वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। लेकिन प्रश्न में आपसे ये नहीं पूछा गया था, छत्तीसगढ़ की नई आरक्षण व्यवस्था पूछा गया था, तो आपको न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को वहाँ पर इंक्लूड करना था, सोशल स्ट्रक्चर और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट पर मैंने क्या बताया था, सेकेंड पॉइंट पे मैंने बताया था व्हाई डिड इट हैपन, यानी कि ऐसा क्यों किया गया है। ठीक, अ
अब यहाँ पर समझना कि सरकार की तरफ से ऐसा क्यों किया गया है, यानी कि अब यहाँ पर आपको सरकार का तर्क रखना है, यानी कि इस आरक्षण व्यवस्था में सरकार ने क्या तर्क रखा है, उस बात को यहाँ पर सुनिएगा। इसमें मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, तो उन्होंने जो तर्क दिया है वो स्टेटमेंट मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ। सरकार का तर्क है कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा आज भी पिछड़ा हुआ है, उन्हें पिछड़ेपन से बाहर निकालने में और विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया गया है, और यह नई आरक्षण व्यवस्था वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर दिया गया है। तो एक स्टेटमेंट आप ये लिख सकते हो इसमें कि छत्तीसगढ़ सरकार का इस आरक्षण व्यवस्था में क्या तर्क दिया गया है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो, सरकार का ये भी तर्क है कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का लगभग 90% जनसंख्या STSC और OB द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो इसीलिए ये भी जरूरी हो जाता है कि उनके समग्र विकास के लिए उनके प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर सरकार में। तो ये आप यहाँ पर कुछ सरकार के व्यूज़ को रख सकते हो, ठीक है, यानी कि इस टॉपिक में आप गवर्नमेंट के व्यू को रख सकते हो, यानी कि इस आरक्षण व्यवस्था को लाने में सरकार की तरफ से कौन सा तर्क दिया गया, तो सरकार के तर्क को आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा सरकार के तर्क में आप कुछ यहाँ पर ओन ओपिनियन भी डाल सकते हो, ओन ओपिनियन में आप यहाँ पर केस स्टडी डाल सकते हो। केस स्टडी में क्या डाल सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इस यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था, और इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया कि हालांकि रिजर्वेशन सिस्टम से जो है एजुकेशन सिस्टम कमजोर होता है, इस यूनिवर्सिटी ने कहा, लेकिन भारत में अगर हम रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें तो भारत में जब से रिजर्वेशन सिस्टम को इंक्लूड किया गया है तब से जो जातिगत भेदभाव था या फिर जो असमानताएं थी, उस असमानताओं को कुछ हद तक कम करने में भारत में रिजर्वेशन सिस्टम बहुत मददगार साबित हुआ है। तो इस तरह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक ओपिनियन अपने ओन कंक्लूजन में गवर्नमेंट के व्यू में रख सकते हो। तो ये हो गया आपका सेकंड स्ट्रक्चर का पार्ट कि सरकार की तरफ से ऐसा क्यों किया गया है, तो सरकार का इसमें आपको तर्क को लिखना होगा, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं अपोजिशन व्यू की तरफ से, यानी कि इसको अब हम क्रिटिसाइज करेंगे। जो भी ये पॉलिसी लाई गई है 82% रिजर्वेशन को, आप इसको क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे पहले अपोजिशन व्यू में ये देखो कि क्या इस सिस्टम पर किसी प्रकार से कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और कोर्ट में अगर चैलेंज किया गया है तो इसमें कोर्ट की क्या राय है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं कि इस नई आरक्षण व्यवस्था पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 पिटीशन दायर किया गया। एक पिटीशन दायर किया आपके वेद प्रकाश, नाम याद रखना, इनका नाम आप लोग कोट करना, वेद प्रकाश सिंह ठाकुर। एक पिटीशन इन्होंने दायर किया, और दूसरा पिटीशन दायर किया है आपके आदित्य तिवारी ने, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के इस 82% रिजर्वेशन के खिलाफ हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में। पहला याचिका आपका वेद प्रकाश सिंह ठाकुर ने दायर किया, और दूसरा याचिका जो है आपके आदित्य तिवारी ने दायर किया। अब इन दोनों पिटीशन में क्या कहा गया, इस बात को भी आप लोगों को पढ़ना है और ध्यान में रखा गया। तो इनके पिटीशन में कहा गया कि इंदिरा साहिनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो जो कि छत्तीसगढ़ में 82% रिजर्वेशन सिस्टम को लाया गया है, और वह 82% जो रिजर्वेशन है वो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। इसीलिए जो है 2 पिटीशन फाइल किया गया है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि 10 दिनों के अंदर सरकार हमें जवाब दे, उसके बाद हम इस पर कोई फैसला ले पाएंगे। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर क्रिटिसिज्म में अपोजिशन के कुछ व्यूज़ को रख सकते हैं। यहाँ पर भी आप एक केस स्टडी डाल सकते हो। केस स्टडी कैसे डाल सकते हो, 2008 में राजस्थान में जो रिजर्वेशन सिस्टम था वो 49% था, उसके बाद 5% का रिजर्वेशन जो है वहाँ के गुज्जर समुदाय को दिया गया था, और इस 5% रिजर्वेशन को राजस्थान के हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था, और यही तर्क दिया गया था कि इंदिरा साहिनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन सिस्टम 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसी मामले को आधार बना के राजस्थान हाईकोर्ट ने इस 5% दिए गए रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, यानी कि उस पर रोक लगा दिया था। तो आप यहाँ पर क्रिटिसिज्म में भी एक जो है यानी कि ओपिनियन व्यू में इस तरह से इन पॉइंट्स
को रख सकते हो। और ध्यान रखना, जो दोनों पिटीशन फाइल किए गए हैं इस 82% रिजर्वेशन के अगेंस्ट, वेद प्रकाश सिंह ठाकुर और आदित्य तिवारी, इन दोनों का नाम आप लोग यहां पर ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा स्ट्रक्चर। इसके बाद चौथे स्ट्रक्चर की तरफ आओगे तो आपको इसमें ओन ओपिनियन लिखना होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखना ना कि जब भी आप इसे लिखते हो तो आपको वहां पर कुछ छोटे पोएट्री या फिर कुछ कोटेशन या फिर कुछ कहावत, ऐसा नहीं कि पोएट्री मैंने बोल रहा हूं तो 10 लाइन का आप वहां पर पोएम लिख दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। जो 2 से 3 लाइन के पोएम होते हैं या फिर कुछ कोटेशन होते हैं उस चीज को भी आप लोग इंट्रोड्यूस करना। जैसे कि आप इसे लिखना जैसे स्टार्ट किए ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप हमेशा कोटेशन के साथ में स्टार्ट किया करो। कोटेशन कैसे आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करोगे मैं आपको बताता हूँ। इस टॉपिक में सबसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन से पहले कोटेशन किस तरह से होना चाहिए वो मैं आपको बताना भूल गया, तो अभी बता देता हूँ कि कोटेशन किस तरह से होना चाहिए। इस टॉपिक में सबसे बेहतर जो मुझे कोटेशन मिला वो कोटेशन ये है, ध्यान से सुनिएगा। आरक्षण करोड़ों की आबादी वाले भारत में वंचित जाति समूहों के हर सदस्य को नौकरी देने के लिए नहीं है। आरक्षण का मकसद है कि वंचित जातियों को महसूस हो कि देश में मौजूदा अवसरों में उनका भी हिस्सा है और देश चलाने में उनका भी योगदान है। यह कोट या फिर यह स्टेटमेंट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच के साथ में इस कोट को रखा गया है, तो आप अपने इंट्रोडक्शन से पहले इस कोट को अगर मेंशन करते हो तो आपका आंसर राइटिंग जो है ना एक बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। तो ठीक है, कोटेशन कहाँ कहाँ पर होना चाहिए वो मैं आपको आगे बताते चलूंगा। तो जैसे इंट्रोडक्शन से पहले जो कोटेशन होना चाहिए ना वो इस कोटेशन को आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम अपोजिशन व्यूज के बाद आए ओन ओपिनियन पर, यानी कि आपकी राय पर, खुद की राय पर, तो कैसे होना चाहिए, तो ओन ओपिनियन जो है वो कैसे होना चाहिए वो यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा। ये सबसे पहले पॉजिटिव ओपिनियन होना चाहिए, ठीक, पॉजिटिव ओपिनियन, और दूसरा आपका निगेटिव ओपिनियन। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओन ओपिनियन अगर दो तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव होता है तो यहां पर आप कुछ फैक्ट्स को यूज कीजिएगा। ठीक है, फैक्ट्स मतलब कि अगर आपने कुछ पढ़ा है या अगर आपके पास में कुछ डाटा है, अगर आपने किसी स्टेट का केस स्टडी किया है, तो सारे केस स्टडी को आपको यहाँ पर ओन ओपिनियन में इंट्रोड्यूस करना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही ओन ओपिनियन में अगर आप पॉजिटिव पक्ष में कुछ लिख रहे हो तो एक सबसे पहले बहुत प्यारा सा एक लाइन का कोट आप यूज़ कर सकते हो। ये कोट है किसका है मैं आपको बताता हूँ, ये भी कोट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ये कहते हैं, आरक्षण बैसाखी नहीं बल्कि सहारा है। ठीक है, तो पॉजिटिव में आप इस कोड को बहुत बेहतर तरीके से वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप सकारात्मक पक्ष को लिखें तो सकारात्मक पक्ष लिखने के बाद आप उसमें एक केस स्टडी को जरूर इंक्लूड करें। तो केस स्टडी को कैसे इंक्लूड करना है मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पर सकारात्मक पक्ष में एक जो है सकारात्मक पक्ष की बात अगर मैं करूं तो जो डिस्कशन कम्युनिटी पर जिन लोगों ने भी प्रयास किया था तो उसमें से मैं एक आपका नीतीश कुमार देवांगन का मुझे सकारात्मक पक्ष बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अपने सकारात्मक पक्ष में लिखा है कि कुछ समय पूर्व उच्चतम न्यायालय में एक वाक्य दिया गया था कि संविधान में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की बात की गई है, जिससे आर्थिक स्थिति के कमजोर वर्गों को आरक्षण देकर ऊंचा उठाना आवश्यक है, किंतु इनका दुरुपयोग ऐसे वर्ग ना करें जो पहले से ही संपन्न है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो पॉजिटिव चीजें में आप इस तरह से चीजें लिख सकते हो। इसके अलावा आप केस स्टडी किस तरह से कर सकते हो, केस स्टडी इसमें आप इस तरह से कर सकते हो, आप यहां पर एग्जांपल दे सकते हो कि जिस स्टेट में हायर रिजर्वेशन सिस्टम है, जैसे तमिलनाडु में आपका 69% रिजर्वेशन है। ठीक है, 69% रिजर्वेशन के अगेंस्ट चेन्नई हाईकोर्ट में भी कई केसेस लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस लंबित हैं, लेकिन तमिलनाडु में एक बहुत सकारात्मक पक्ष देखा गया है इस 69% रिजर्वेशन को देने के बाद, वहां के पिछड़े एक बहुत बड़े सामाजिक वर्ग को ऊपर लाने में मददगार साबित हुआ है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में डाल रखा है, क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम से बहुत अधिक तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो कुछ तरह से इस केस स्टडी जिन जिन राज्यों में रिजर्वेशन से सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं उन राज्यों के आप केस स्टडी को पढ़िए और उन राज्यों के केस स्टडी को अपने सकारात्मक पक्ष लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं नकारात्मक पक्ष की।
रिजर्वेशन सिस्टम से आप नकारात्मक पक्ष को यहाँ पर किस तरह से इंक्लूड कर सकते हो, इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो नकारात्मक पक्ष लिखने से पहले आप यहाँ पर भी एक अच्छा सा कोट यूज कर लो। कोट कैसे यूज कर सकते हो, महात्मा गांधी ने कहा था, आरक्षण जाति धर्म पर नहीं आर्थिक आधार पर हो। यह महात्मा गांधी का बहुत प्यारा सा एक लाइन का कोट है, इसे आप ले सकते हो। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से एक बातें कही गई थी, आरक्षण से समाज का संतुलन बिगड़ेगा। ये बातें कही गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। तो निगेटिव इम्पैक्ट में आप इन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और निगेटिव इम्पैक्ट में भी आप यहाँ पर किसी राज्य का केस स्टडी ले सकते हो, किसी राज्य का केस स्टडी ले सकते हो, या फिर किसी देश का भी केस स्टडी ले सकते हो। तो इस तरह से नकारात्मक पक्ष भी जब भी आप लिखो तो आपके पास में फैक्ट होने चाहिए। फैक्ट इस आधार पे होने चाहिए, किसी, जैसे मैंने बोला, किसी राज्य का केस स्टडी ले लो या फिर किसी कंट्री का भी केस स्टडी ले लो। तो इस तरह से आप यहाँ पर निगेटिव पॉइंट को भी जब लिखेंगे तो आप फैक्ट के साथ में लिखेंगे, और एक अगर यहाँ पर बेहतर कोटेशन हो तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा और बहुत आपका आंसर राइटिंग अट्रैक्टिव बन सकता है। तो ठीक है, ये आपका ओन ओपिनियन में सकारात्मक पक्ष फैक्ट के साथ में, कोटेशन के साथ में। तो यहाँ भी आपका नकारात्मक पक्ष जो होगा केस स्टडी के साथ में, फैक्ट्स के साथ में और कोटेशन के साथ में। चलिए अब यहाँ पर लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कंक्लूजन। जैसे आपका इंट्रोडक्शन बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए ना, वैसे ही आपका कंक्लूजन भी बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। कंक्लूजन की शुरुआत आप यहाँ पर भी कोट से कर सकते हो, पोएम से कर सकते हो, या फिर किसी कहावत से कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। ठीक है, आप इस पोएम कोट या कहावत को कंक्लूजन के एंड में भी रख सकते हो, शुरू में भी रख सकते हो, दोनों अट्रैक्टिव लगेगा। इसके अलावा कंक्लूजन हमेशा इस टॉपिक का डिप्लोमेट होना चाहिए। डिप्लोमेट होना चाहिए मतलब इस टॉपिक का जो कंक्लूजन है आप यहां पर डिप्लोमेट रखिएगा। और तीसरे आपका कंक्लूजन में तीसरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, इसमें भी आपको बैलेंस व्यू के साथ में चलना है, यानी कि कुछ पॉजिटिविटी भी चीज़ें और कुछ नेगेटिविटी भी चीज़ें। और यहाँ पर एक मैं आपको बता देता हूँ कंक्लूजन की, आप अगर यहाँ पर शुरुआत करेंगे तो किस तरह से वर्ड रखेंगे, आरक्षण व्यवस्था लागू होने से रोजगार के प्रति युवाओं में एक बार फिर नई उत्साह नजर आएगी। ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, मैंने कि इस टॉपिक के कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ। जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट को लेकर आएगी, जिसने प्रशासनिक स्तर पर अच्छे प्रशासक की नियुक्ति संभव है, आरक्षण में बदलाव पिछड़े जन एवं दल के लिए रामबाण की तरह काम करेगा, और छत्तीसगढ़ के प्रशासन रोजगार और युवाओं की एक नई उमंग भरने का भरसक प्रयास करेगा। हालांकि ये पॉजिटिव बातें हो गई, इसमें आपको कुछ ना कुछ फैक्ट्स यहाँ पर निगेटिव भी इंक्लूड करना होगा, क्योंकि आपको अप्रोच जो है वो बैलेंस बनाकर चलना है ना। तो इसीलिए आप अगर सकारात्मक पक्ष लिख रहे हैं तो आप इसमें कुछ ना कुछ नकारात्मक पक्ष या फिर आपका जो ओपिनियन है, आपका जो व्यू है, उसे रख के आप यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका, या फिर आप इसे फ्रेमिंग कह लो। और इस टॉपिक पर आप लोग इस तरह से कमेंट मत कीजिएगा कि पूरा लिख कर दे दूँ, यानी कि इंट्रोडक्शन का पूरा मैं अपना कोट कर दूँ, इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं जो कोट कर दूँ, ऐसी चीज़ें नहीं होती। देखिए होता क्या है, सबका लिखने का अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना स्ट्रेंथ होता है, सबकी अपनी शैली होती है, सबके पास में नए नए वर्ड्स होते हैं, तो सबका लिखने का जो तरीका होता है ना वो अलग अलग होता है। यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि आपको लिखना कैसे है, लिखना आपको ही है, बस हम तरीका बताएंगे। तो इस टॉपिक पे हमने आपके सामने एक ओवरऑल फ्रेमिंग करके दिया है कि आप कहाँ कहाँ एक सटीक तरीके से वर्ड लिमिट के अंडर में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो, कहाँ कहाँ कोटेशन डाल सकते हो। अगर पॉजिटिविटी चीज़ें भी लिख रहे हो तो फैक्ट के साथ में लिखो, या कंक्लूजन भी लिख रहे हो तो फैक्ट के साथ में लिखो, या फिर किस तरह से क्रिटिसाइज करना है, किस तरह से बैलेंस अप्रोच रखना है। तो इस तरह से सारा जो यहाँ पर आपका फ्रेमिंग किया गया है, तो इस फ्रेमिंग को आप लोग ध्यान में रखिएगा जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करते हो, तो इस अप्रोच को हमेशा ध्यान में रखना। इस फ्रेमिंग का एक पोस्ट बनवाकर मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूं, ताकि उस पेज को हमेशा आप लोग अपने साथ में रखो कि किस तरह से फ्रेम करना है। तो इसलिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और दूसरे हफ्ते का जो टॉपिक होगा कल से, यानी कि मंडे से, वो टॉपिक आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, यूट्यूब पे भी बता दिया जाएगा, हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर लेना। वहाँ आप लोग जितना ज़्यादा प्रयास करोगे डिस्कशन कम्युनिटी पर, जो भी टॉपिक क्रिएट किया जाएगा
उतना आप लोगों को फायदा होगा। मैं बार बार बोलता हूं कि जितना ज्यादा प्रयास करोगे, जितनी बार लिखोगे, जितना प्रयास करोगे, आपकी लेखन शैली जो है उतना बेहतर होते जाएगा, उतना अट्रैक्टिव होते जाएगा, आपके सामने चीजें सारी खुलकर आने लगेंगी, बहुत आसान लगने लगेगा, क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। तो प्रयास आप लोग बार बार करना, और जो दूसरे हफ्ते का वहां टॉपिक डिस्कशन कम्युनिटी पे क्रिएट किया जाएगा, फिर वहां पर जो भी टॉपिक पर डिस्कस करोगे उसके पॉइंट्स को हम लोग उठाकर फिर से एक वीडियो डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपका टॉपिक दिया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा, वो मंडे से अवेलेबल हो जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।